हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग राजनीति में होते हैं वो जनता की भलाई के लिए काम करते हैं, डेवलपमेंट हो, जनता की परेशानियां दूर हो, सुनवाई हो, इसके लिए कार्य करना। प्रिवेंटिव कस्टडी से बाहर निकलते ही महबूबा मुफ्ती ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर से वो पैंतरेबाजी और चालबाजी शुरू कर दी है और उसके तुरंत बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और श्री उमर अब्दुल्ला की मुलाकात महबूबा मुफ्ती से हुई और ये गुपकार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जो योजना की है और जो धारा 370 को लेके यहां एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जो चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीन की मदद मांग रहे हो या महबूबा मुफ्ती वो ब्लैक वीडियो बना के जनता को गुमराह करने की और भड़काने की साजिश कर रही हो, सबके ध्यान में एक चीज रहनी चाहिए। ये सारे अभी ताजा ताजा चंद जिन दिन हुए हैं सलाखों से बाहर निकल के आए हैं। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र करोगे, देश को तोड़ने की साजिश करोगे, जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाने की कोशिश करोगे, जम्मू कश्मीर को अगर लहूलुहान करने की कोशिश करोगे तो पूरी जिंदगी जेल की सलाखों में सड़ोगे। देश की एकता और अखंडता को, देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरनिटी को अगर कोई चैलेंज करेगा, अगर कोई थ्रेट पोज करेगा, वो नहीं बच सकता है, वो जेल की सलाखों में सड़ेगा। गुपकार एजेंडा देशद्रोही एजेंडा है। गुपकार के वहां बैठ के ये जो एजेंडा इन्होंने बनाया था उसको जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही कूड़ेदान में फेंक दिया है। जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई गुपकार एजेंडे में नहीं है। इन्होंने पिछले 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह किया। जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया, उसको कैसे हम यहां रख सकते हैं? पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों ने 70 साल तक उनके साथ इनजस्टिस हुआ। कहां थे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती? 70 साल जम्मू कश्मीर में दलित समाज के लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, इनके मानवाधिकारों का हनन जम्मू कश्मीर में 370 के कारण हुआ। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जो मुसलमान हैं उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस इस धारा 370 के कारण हुआ। महिलाओं के साथ इनजस्टिस 370 ने किया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, चाहे वो जम्मू के रहने वाले डोगरे हैं, चाहे कश्मीर घाटी के अंदर रहने वाले कश्मीरी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, रेफ्यूजीज हैं, कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं, उनको जो प्रताड़ना पिछले 70 सालों में मिली इस धारा 370 के कारण मिली। रविंद्र जी जैसे आप, इसलिए इस धारा 370 को ये जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि चीन हमको लाके देगा, या महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ये बैठ के कहें कि गुपकार एजेंडे को हम वापिस लाएंगे, ये जब तक ये कायनात है, जब तक ये ब्रह्मांड है, तब तक ये धारा 370 वापिस नहीं आएगी।